हेलो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था व्यावसायिक बैंक के कार्य, जिसमें हमने उनके तीनों कार्यों की उल्लेख किया था। हमने प्रथम किया प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के सभी प्रकार हमने पढ़े। इसके अंतर्गत आते हैं विभिन्न प्रकार के स्वीकार करना जैसे चालू जमा स्वीकार करना, बचत जमा स्वीकार करना, मियादी जमा स्वीकार करना। फिर दूसरे कार्य आते हैं ऋण देना, जिसकी हमने चर्चा की। और इसके अंतर्गत जो तीसरा कार्य आता है वो होता है साख का निर्माण करना। अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है व्यावसायिक बैंक का। व्यावसायिक बैंक, जैसे हम जानते हैं कि बैंक अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। जमा स्वीकार की गई राशियों को वो कई गुना बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके अंतर्गत वह इस राशियों के द्वारा साख का सृजन करता है। अब आप सोचते होंगे कि साख का सृजन करना क्या है और व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन। तो बच्चों, साख का सृजन करना होता है उसी पैसे को कई गुना बढ़ाने के लिए बाज़ार में उन उपभोक्ताओं को उधार के रूप में देना जो लोन चाहते हैं या उधार चाहते हैं, पर वो उधार मांगने कहाँ जाते हैं, बैंकों के पास जाते हैं। इस प्रकार बैंक जो है उन ग्राहकों को उधार देता है, किससे, उन जमा की गई राशियों से जिसे उन्होंने किसी और उपभोक्ता के द्वारा स्वीकार किया था, लेकिन वो संपूर्ण राशि को उधार के रूप में बाज़ार में नहीं निकालता, बल्कि उसका एक रेशियो बनाता है, अनुपातिक उसका एक सिद्धांत होता है, जिसके अंतर्गत वो एक प्रतिशत जो है वो रखता है बैंक में तरल के रूप में, और बाकी जो प्रतिशत है उसे वो साख के सृजन के लिए बाहर अर्थव्यवस्था में उधार के रूप में देता है। अब ये जो प्रतिशत है, यह अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसके ऊपर निर्भर करता है। रिज़र्व बैंक की, केंद्र बैंक की विभिन्न नीतियों के ऊपर निर्भर करता है। तो जब आप रिज़र्व बैंक पढ़ेंगे या केंद्र बैंक पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। दूसरा जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है जो है एजेंसी कार्य या एजेंसी फंक्शन। अब बैंक जो है ग्राहकों के एजेंटों के रूप में भी कार्य करता है। वह प्रत्येक प्रतिफल के स्वरूप, वह इस कार्य के लिए एक प्रतिफल के स्वरूप एक कमीशन लेता है, कमीशन चार्ज करता है। मतलब वो एक एजेंट का भी काम करता है और उसके बदले में वह ग्राहकों से कमीशन लेता है। एजेंसी कार्य के अंतर्गत क्या क्या कार्य करता है? सबसे पहला कार्य क्या करता है, नकद कोषों का हस्तांतरण, रेमिटेंस ऑफ मनी। जैसे बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है कि वह उनके आदेश के अनुसार उनकी जमा की गई राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान चाहे तो भेज सकते हैं, जिसके अंतर्गत वो विभिन्न, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बैंकिंग स्वरूपों का प्रयोग करता है, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट हुआ या चेक हुआ, जिसके माध्यम से हम अपनी ही राशि को किसी और व्यक्ति को अगर देना चाहते हैं तो इसमें जो बीच में जो मध्यस्थ करता है वो बैंक करता है। इस मध्यस्थता के लिए वो एक कमीशन लेता है। तो जैसे हमको कहीं पर फॉर्म भरना है, कहीं अप्लाई करना है, कुछ टेंडर भरना है, तो हम वहाँ पर जो फीस या किसी भी प्रकार का पेमेंट करते हैं तो हमको वहाँ पर लिखा रहता है कि भाई यहाँ पर आप ड्राफ्ट के रूप में पेमेंट करें, तो हम ड्राफ्ट या चेक के द्वारा वहाँ पेमेंट करते हैं। वहाँ बीच में बैंक मध्यस्थता का काम करता है, और जिसके एवज में आप ड्राफ्ट बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका एक कमीशन वो उसमें एडेड रहता है। दूसरा है प्रतिभूतियों को खरीदने एवं बेचने का कार्य। आप प्रतिभूति जो होती है जिसके जो व्यावसायिक बैंक बेचते हैं, जैसे बीच बीच में बैंक जो है शेयर्स बेचते हैं, बॉन्ड बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, उसे वो बेचते भी हैं। और अगर वो जब वो एक समय निकालते हैं इसमें कि वो ग्राहकों से ख़रीदते भी हैं, तो वह रिज़र्व बैंक के आज्ञा के अनुसार से
रिजर्व बैंक के नीतियों के अनुसार से एवं अपनी नीतियों के अनुसार से एक निकालते हैं डेट, किस डेट में वो बॉन्ड बेचेंगे, जिनको ख़रीदना है वो ख़रीदें, या फलना डेट में वो बॉन्ड खरीदेंगे, जिनको बेचना है वो बेचें। तो उस अनुसार से अगर उस उनके जो कस्टमर है, ग्राहक है, अगर उनको आदेश देते हैं तो वो कार्य उनके एवज में करते हैं। तीसरा जो कार्य है वह है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना। व्यवसायी बैंक देश के केंद्र बैंक के निर्देशानुसार कार्य करता है, और केंद्र बैंक अगर उसे कहती है, निर्देश देती है कि विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय करो, तो वो उसका कार्य भी करता है। इस प्रकार व्यावसायिक बैंक केंद्र बैंक का भी एजेंट के रूप में कार्य करता है। वैसे ही जगह जहां आप मान लें कि वहां केंद्रीय बैंक का कोई ब्रांच नहीं है, उसकी कोई शाखा नहीं है, तो वहां पर वो वहां के व्यावसायिक बैंकों को आदेश देता है कि आप वहां पर इस ये कार्य करें। और वो व्यावसायिक बैंक सरकारी होती है मुख्य रूप से, जैसे SBI हुआ या नेशनलाइज्ड कोई भी बैंक, जिसको वो आदेश दिया कि भाई ये फलना जगह पे आप विदेशी पूंजी का क्रय विक्रय करें, तो वो उस जगह पे वो सरकार के एजेंट के रूप में या केंद्र बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके बाद आता है संदर्भ पत्र, जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस। अपने ग्राहक के हित को ध्यान में रखते हुए बैंक आर्थिक स्थिति को की जो भी जानकारी उसको मिलती रहती है देश से और विदेश से के विभिन्न व्यवसायों के द्वारा, वो क्या करता है, उस जानकारी या सूचना को देश विदेश के व्यापारियों को प्रदान करता है, और वहीं दूसरी ओर वो विदेशी व्यापारियों की भी आर्थिक स्थिति की जानकारी ग्राहकों को प्रदान करता है। मतलब वो व्यापारियों की जानकारी ग्राहकों को प्रदान करता है, और ग्राहकों की जानकारी व्यापारियों को प्रदान करता है। मतलब वो एक दूसरे के बीच में रेफर करने वाले का काम करते हैं, संदर्भ देने का भी कार्य करता है। जो उसके बाद का कार्य है वो है ट्रस्टी एवं प्रबंधक का। बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक प्रबंधक का भी कार्य करते हैं। कैसे? बैंक अपने ग्राहकों के निवेदन के अनुसार उनकी परिसंपत्तियों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ट्रस्टी के रूप में भी काम करते हैं। अगर उसका ग्राहक आदेश देता है कि मैं फलना बैंक के इस ब्रांच को इस परिसंपत्ति का ट्रस्टी बनाना चाहता हूँ, तो वो उसका भी कार्य करता है। तीसरा जो सबसे प्रमुख कार्य है व्यावसायिक बैंक का, वह है सामाजिक उपयोगिता का कार्य। बैंक इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कार्य भी करता है समाज के लिए, जैसे कि हम लोग खुद भी रखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था या वहाँ की आर्थिक उत्थान के लिए भी कार्य करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है लॉकर सुविधा। व्यक्ति या ग्राहक बैंक में जहाँ उसकी जिस शाखा में उसका अकाउंट है, वो वहाँ जाके अपने बहुमूल्य वस्तुओं को, दस्तावेजों को, आभूषणों को या विभिन्न प्रकार की उसकी बहुमूल्य चीज़ों को लॉकर की सुविधा लेके वहाँ पर वो रखता है, जिस सुविधा को देने के लिए बैंक उनसे पैसे वसूल करती हैं। इसके अलावा यात्री चेक, ट्रैवलर्स चेक देता है, एक साख प्रमाण पत्र की तरह भी वो काम करता है। मतलब ट्रैवलर्स चेक भी देता है एवं साख प्रमाण पत्र भी देता है। बैंक अपने ग्राहकों को यदि वो यात्रा कर रहे हैं तो नकदी ना ले जाके वो ट्रैवलर्स चेक का व्यवस्था भी कर देते हैं, ताकि उनको धन या उस पैसे को कैरी करने का, अपने साथ ले जाने का उसको कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। क्या है कि अगर वो ले जाएगा तो उसको विभिन्न प्रकार की असुविधाएं होंगी, जैसे चोरी हो सकती है या दुर्घटना हो सकता है, लेकिन इस सबसे वो बच सकता है अगर वो ट्रैवलर चेक ले जा सकता है। और इसके अलावा साख प्रमाण पत्र का भी, मतलब क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है, कि मतलब यहाँ से लिया और अगला जगह वो जाके उसको रिमिट कर लिया, ठीक है, भुना लिया, डिस्काउंट कर लिया। व्यावसायिक बैंक सूचनाएँ और आंकड़ों का एक ऐसी संस्था है जो सूचना और आंकड़ों को एकत्रित करने का भी काम करता है। इसका एक विंग है, इसका एक ब्रांच है, इसकी एक शाखा है जो यह कार्य भी करती है, और विभिन्न अपने क्षेत्र के उसकी विशेषज्ञ होते हैं जिनकी सहायता से वो वित्त संबंधी जितने भी आंकड़े हैं उसका संग्रहण करने का, प्रकाशित करने का, प्रस्तुति करने का भी वो कार्य करता है। इसके अलावा वो क्या कार्य करता है सामाजिक कार्य के अंतर्गत, वो करता है वस्तु एवं वाहन का, वो क्या करता है वाहन में भी सहायता करता है। जैसे बड़े बड़े व्यापारी ग्राहकों को माल भेजते हैं
उनकी बिल्टी चेक में जमा कर देते हैं। क्रेता बैंक रुपए जमा कर करवा कर उस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं और अपना माल प्राप्त कर लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जब बड़े व्यापारी जो हैं अपना माल बेचते हैं, तो वो भेजते हैं तो अपने ग्राहकों को माल के जगह एक बिल्टी दे देते हैं, जो उस वो बैंक में जमा करते हैं। और बैंक में जमा करने से तो वो बिल्टी जो है वो उसको डिस्काउंट कराते हैं और उसका माल भी वहाँ से उसको मिल जाता है। इस तरीके से जो पांचवी जो अन्य कार्य जो है सामाजिक कार्य के अंतर्गत, वो आता है आपका रोज़गार का सृजन करना, पूंजी का निर्माण करना, पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाना, मुद्रा प्रणाली में लोचशीलता लाना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, उद्यमियों को बढ़ावा देना, ये सब उसकी सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो नया कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यावसायिक बैंक का है, जिसका अध्ययन हम करेंगे, वो है साख का निर्माण। क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि साख का निर्माण कैसे किया जाता है और क्या होता है साख का निर्माण। व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में केवल मुद्रा में ही नहीं लेन देन करता है, बल्कि साख का भी निर्माण करने का कार्य करता है। सामान्यतः बैंक के पास जितनी रकम जमा होती है उसके कई गुना रकम वो अधिक उधार के रूप में अर्थव्यवस्था में देता है, जिससे थ्रू वो साख का निर्माण करता है। ये करने का जो बैंकों को साख का निर्माण का आधार क्या है और वो कैसे होता है, इसे हम अध्ययन करेंगे। ये हम जानते हैं कि लोग बैंक में अपना अधिक के धन रखते हैं, जमा करते हैं, जिन्हें वो तत्काल आवश्यकता के लिए वो प्रयोग नहीं करते या तत्काल वो उसे उपयोग नहीं करते। अतः बैंक ग्राहकों को यह विश्वास दिलाता है कि वो उससे सही कार्य करेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा।